उड़िया मालिका में यानी भविष्य मालिका में लिखा गया है 256 के बारे में, यानी 256 भक्त जिनको ओरिजिनल पोथी प्राप्त होगा। तो उन्हीं में से बाबा जी हमारे साथ हैं जिनका नाम है बाबुली बाबा। हम जहाँ पे खड़े हैं यह है उड़ीसा प्रदेश के कटक जिले में, कटक जिले में हम खड़े हैं। तो बाबा जी के यह है पीठ, यह है माता जी का मंदिर, आप देख रहे हैं साफ पीछे, ये माता जी का मंदिर है, ये पीठ है। ये लगभग कितना पुराना पीठ है ये माता जी का? 13 साल हो गया। 13 साल साधना में था 27 साल। 27 साल से बाद में थे 27 साल? नहीं, 27 साल टोटल हो गया, 13 साल हो गया माता जी ने बैठा। तब माता जी ने यहाँ पर जो स्थापना 2010 में बैठा, 2010 उसका आगे मैं साधना में था। अच्छा। गुरु जी का घट को पूजा करता। जी जी जी, देखिए जाना किस वाक्य भी लिखा है भगवान। थोड़ा पकड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा कैमरा दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे बिल्कुल देखिए, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि बिल्कुल इसको आप नीचे जूम करिए, दिखाई दे रहा है। देखिए ये उड़िया, ये जो है पुराने उड़िया भाषा में लिखा गया है। इसका देखिए मतलब एक एक जो पेज है सही सलामत नहीं है, एक एक जो पेज है बिल्कुल संभाल के उसको दिखाना पड़ रहा है। और ये पोथियाँ जो है मतलब हमारे साथ जुड़े हैं कान्हू बाबा जी। बाबा जी ये जो पोथियाँ हैं लगभग मतलब इसका लाइफ कितना है? पोथियों का लाइफ 1000 साल होगा। 1000 साल और लास्टिंग करेगा पोथी का जो लाइफ है? लाइफ है। अच्छा, मतलब उसके लिए कुछ मतलब कुछ केमिकल या फिर कुछ ऐसा? नहीं, केमिकल तो हमको मालूम नहीं, लेकिन महापुरुष का कोई केमिकल नहीं जा सकेगा। वो भगवान का जो दिव्य मंत्र है ऐसे वो कुछ नहीं होगा। सिर्फ उन्हें घी और पंचामृत में धोया जाएगा तभी वाक्य आएगा। पंचामृत में घी में उसको सब कर। पंचामृत मतलब इसमें क्या? घी, दही, मधु, गुड़ और घृत। उस गायत्री मंत्र में अभिमंत्रित करके उसको स्नान करा जाएगा, तभी घी में तुला राहों से उसको साफ करा जाएगा, तभी उसका देवी का आज्ञा आएगा, तो चलने का सिस्टम भी है वो चलेगा। तभी माता जी ने जब आएगा तभी उसका दूसरा अक्षर जो माता जी का ऑर्डर वो बाहर निकलेगा, मगर जो ब्रह्म वाक्य है वो लुप्त हो जाएगा। दिखा दीजिए एक बार, आप जो बोल रहे हैं एक बार आप दिखा दीजिए। सपोज आप पोथी में क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप क्वेश्चन करने से वो जो पुथी लिखा है ना वो उसमें लगकर पंचामृत सिंचा जाएगा, रूम में घी मार के उसको प्लेन करा जाएगा, तब करने के बाद धूप दिया जाएगा, धूप दिया जाके माँ को आवाहन करा जाएगा, आवाहन करने से उसको फिर जो इसमें जो लिखा है ना वो कहीं छुपी जाएगा। अच्छा, वो मिट जाएगा। इसमें रील चलने से जो बुट का साइज, जो डाल होता है ना, डाल जो काला बुट साइज है, जो छोले का टाइप बराबर छोले का टाइप रहा, छोटे छोले का टाइप रहा, अक्षर आ जाएगा। उसमें अक्षर आ जाएगा बिल्कुल दिखेगा, वो देखेगा, हम देखेगा, क्लियर देखेगा, क्लियर। अच्छा, बाकी कोई नहीं देख सकता? कोई नहीं देख सकता है। हाँ, देखेगा। नहीं, वो भक्त देखेगा। हाँ। जब इसका ऑर्डर होगा उसका बीज मंत्र उनको दिखाओ। अच्छा, कोई मंत्र उनको देना है, वो मंत्र जब आएगा तो वो देखेगा, फिर लिखेगा बिना ऑर्डर में कोई किच करने। अच्छा, अच्छा, मतलब जब निर्देश आप निर्देश जब आप पोथी चलाएंगे तब एक दिन का आगे से मेरे को फोन करना है। अच्छा। जे बाबा जी हम जाएंगे काली ब्रह्मांड भूगोल का कुछ क्वेश्चन करेंगे। हाँ। आरती टाइम में शाम को हम जनाएगा जे सत्य जी ने फोन किया था, प्रभु आप काली पाठ्यशाला को जाएंगे सिंहासन से, माता जी आप सिंहासन को जाएंगे, पाठ्यशाला को जाएंगे सिंहासन से, वो बोल देगा, देव बुलाओ, तभी हम फोन कर देगा, बच्चा आ जाओ। अच्छा, इससे उसका नियम है और सत्तु के में होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका, बहुत करंट है, इसीलिए जो बड़ा फैन लगा है वो घूमेगा, ठंडी दिन में घूमेगा। नहीं तो मैं आप पोथी सुन के चला जाएंगे, मैं 2 घंटा 1.5 घंटा अपना बेड में पड़ेगा। अच्छा, मतलब इतना जो पावर करंट उनका है। और देखो ना, वो भगवान शंकर का है, भगवान शंकर भगवती माँ पार्वती को किसी भी ब्रह्म ज्ञान कहे था, जो बोला था इसमें है, उसको चलाना हमारा किस्मत में है क्या? वो कम पावरफुल वाक्य है, ये तो है, मगर इसमें क्या है अभी तक हमको मालूम नहीं है। जितना ही हम देखा है उतना नया लगता है। नहीं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने बताए थे कि इसके जो स्टार्टिंग के जो कुछ 10-12 पेज है आपने एक बार उसको पढ़ने की कोशिश किए थे। हाँ। और आपके अंदर कुछ करंट जैसा करंट लगा। क्या आपने मतलब पढ़े, इसमें क्या लिखा है? लिखा है
जो ब्रह्म ज्ञान क्या था, मातृगर्भ का जो ज्ञान, मातृगर्भ का ज्ञान अच्छा जो बोला था इसमें है, ये छोटा बात नहीं। अच्छा, मातृगर्भ का जो ज्ञान है वो इसमें है। नहीं, जैसे बोल रहे हैं कि इसका नाम है ब्रह्मांड भूगोल, मतलब ब्रह्मांड पृथ्वी, मतलब पूरा ब्रह्मांड के बारे में, इसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में बोलता है वो, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब खाली खाली ये ओडिशा प्रदेश की बात नहीं है, कोई नहीं, ब्रह्मांड ये समग्र प्रदेश की बात है, समग्र देश की बात है। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवती दुर्गा, वो कोई भारत का है क्या? वो भगवान 14 ब्रह्मांड का है, सिर्फ ब्रह्मांड का नहीं है, 14 ब्रह्मांड का अधीश्वरी है, 14 ब्रह्मांड का भगवान है जगन्नाथ। तो इसमें 14 ब्रह्मांड का भगवान है शंकर ब्रह्मा, तो 14 ब्रह्मांड, हम तो एक ब्रह्मांड का अंत नहीं अभी तक जाना है, हमको जितना ही मिलता है उसको उसको हम काम पे लगाना चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या लगाना है? युग का कर्म के लिए। जो प्रलय का कथा वो तो बहुत अगले से, अभी तो आप जैसे आए, आप क्यों आए, इसमें निकला है, निकलेगा तो उसको टेप करके बताएंगे, बताएंगे हम क्या बताएंगे, प्रभु बताएंगे हम क्या, हम तो भृत्य है ना। चलिए सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एक बार उसको मुझे फिर फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। आपको क्या मिला उसमें उत्तर? हाँ। मैं आपके पास क्यों आया था, आप क्यों क्यों आया था? हाँ। आप कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलेगा पोथी, फिर पोथी ऑर्डर करेगा। हाँ, हाँ, हाँ। जे तुम कुछ प्रश्न करो, हम उत्तर देगा, ठीक है, ठीक है। जब भगवान बोलेगा तुम कुछ नहीं बोलेगा, जब भगवान बोलेगा तुम कुछ क्वेश्चन करो, हम उत्तर देगा, तभी तुम उस चीज देगा, तब जाके हम प्रश्न हम पूछ सकते हैं। सही, तुम कौन है? हाँ, कितना जन्म तक है? क्या क्या करता है? कहाँ कहाँ जन्म हुआ है? कहाँ कहाँ गया है? अभी क्या करता है? करने से मतलब क्या है? किसी को बात दिया है ऐसा करने के लिए? ये सब कुछ निकलेगा। अच्छा, जो मरकट करकट जो बोलता था हमने दूसरा बात में, उसी में निकला है। मरकट करकट वो क्या था, फिर से बताइए। वो एक डेंजरस वायरस है, महामारी की आप बात कर रहे हैं? हाँ, महामारी, कोरोना महामारी आया था। कोरोना तो कुछ नहीं, तांडव रच दिया था, उसके लिए कुछ मेडिसिन नहीं है बेटा। अच्छा, निकलेगा भी नहीं। अच्छा, एक मेडिसिन है, एक मेडिसिन है, प्रभु ने बताया कोरोना के लिए। नहीं नहीं, जो कर्कट मरकट के लिए, कर्कट मरकट ये एक मेडिसिन है। तो दोस्तों, बाबा जी का ये मानना है, अभी जो कोरोना महामारी अभी हाल ही में 2020 से 2021 2022 तक कोरोना महामारी का ये जो दौर रहा है, उसमें से लाखों की संख्या में लोगों को मौत का सामना करना पड़ा, मौत का तांडव रच गया समग्र विश्व में। तो उसी प्रकार एक महामारी भी आएगा आने वाला समय में, बहुत जल्द। उसका नाम है, बाबा जी ने जो बोले, इसका नाम है मरकट करकट, वही है ना? वही है, मरकट करकट। तो उसको होने से आदमी मरकट जैसा हो जाएगा, वो वायरस इतना डेंजरस, लाइक मंकी, लाइक मंकी क्या, बंदर जैसा, बंदर जैसा। उसका उसका ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर भी डरेगा। क्यों? क्योंकि वो इतना डेंजरस वायरस, वो टच करने से आपको बॉडी को चला जाएगा। अच्छा अच्छा, वैसे बोला है, क्विक स्प्रेड करेगा, क्विक स्प्रेड उसे बोला है प्रभु जी ने। एक श्लोक को हमको मन पड़ता है, गीत में बताता हूँ जी, बताइए, उड़िया में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। रोगी दौड़ेगा बैद नुचेगा, एथिरे संदेह नहीं, मरकटी करकट आसीबटी रोग कहुची भक्त रे तही, एकमात्र सा होइथिबे पुणी शंकर जे चंद्रशेखर, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଏ ବିଧାନ ଅଛି ପୁସ୍ତକେ କହିଲି ମୋର, ଏକ ଲକ୍ଷ ବି ଆଠ ବେଲପତ୍ର ପୁଣି ହୋଇଥିବ ଯେ ପାଦୁକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳ ପିଇଲେ ଏ ରୋଗ ଭଲ ହେବଟି ସତ୍ୱର, ରୋଗୀ ଦୌଡ଼ିବେ ବୈଦ ଲୁଚିବେ ଏ ଲୀଳା ଖେଳା ଦେଖିବୁ, ସଂସାରରେ ମହା ବିପଦି ଘଟିବ କାଳ ବେଳକୁ ଚାହିଁବୁ। ये तो 10 साल का नीचे, 15 साल का, 12 साल का नीचे प्रभु बोल दिया था। आज जब पहले, अब 12 साल पहले आपको पता था इसे, इसे पता था, क्यों खोलेगा हम? कोरोना के बारे में भी आपको पता था, क्यों खोलेगा? कौन कौन सुने, कौन माने? मरकटी करकट का बात पढ़ता है बेटा ना, कोरोना उसका नाती है, पोता है। अच्छा, इतना पावरफुल है? नहीं, कि कोरोना तो ट्रीटमेंट में आदमी भल हो जाता है, आयुष में रह के उसका डॉक्टर नहीं जाएगा। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है? क्या ट्रीटमेंट है? सही बात है। तो आने वाले समय में ऐसा 2027 के अंदर अंदर वो काम हो जाएगा, 2027 के 27 में खेल खत्म हो जाएगा। तो 2027 की जब आप बात छेड़ी लिए, तो आ रहा है मीन शनि योग, वो तो होगा। इसीलिए तो भगवान शंकर ने माँ कृपा मई ने बोला है, दुर्गा क्या बोले हैं, वही 2027 में मेरा अनंत युग काम खत्म हो जाएगा।
अच्छा अच्छा सत्य प्रतिष्ठा होगा, न्याय प्रतिष्ठा होगा, भक्त का खड़ा नील हाला देखो ना मंडू की राबी रहे ना, हाँ हाँ वो कण सत्य है। अच्छा वो मंगल का प्रतीक है, मंगल का वाहन है, वो कभी मिथ्या नहीं बोलेगा, सच गो माता मिथ्या नहीं बोलेगा, शुक्र पक्षी मिथ्या नहीं बोलेगा, सारी ने मिथ्या नहीं बोलेगा, किसी का नमूना है कुछ मिथ्या नहीं बोलेगा। अच्छा अच्छा काऊ वो मिथ्या नहीं बोलेगा, डॉग मिथ्या नहीं बोलेगा, फॉक्स मिथ्या नहीं बोलेगा, वो चेतन है, रैट कैट चेतन है। अच्छा वो कुछ जिब्बा है, देखो ना जो भूमिकंप होगा, भूमिकंप होने से कोई नहीं जानेगा, चेतनशील व्यक्ति जानेगा, उसको कौन बताएगा? रैट। अच्छा अच्छा जब भूमिकंप आएगा तब रैट ने उसका होल से निकल के घर के ऊपर दौड़ेगा, उसको अनुमान करना चाहिए, समझना चाहिए, जो जानवरों की जो बर्तलाव है वो सब हमें समझना चाहिए। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितना भी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। तो हमारे दर्शकों के सामने आपने ये पोथी पेश की है, और इसका जो महिमा है, उसका जो महात्म्य है, उसके आप धरिए ना एक सेकंड, सत्यवंद बाबू कैसा करंट जिम जिम लगता है आपका हाथ को, आप खुद भी अनुभव कीजिए, प्रभु विराजमान है अभी। तो दोस्तों आप अभी सुन रहे थे मालिका में जो लिखे गए हैं 256 भक्तों के बारे में, उनमें से एक हैं बाबुली बाबा। बाबुली बाबा में आपके सन्मुख पेश किए हैं वो दिव्य पोथी जो 600 साल पुराना है और उनको मिला है महापुरुषों के कृपा से। तो फिर कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपना मत दीजिए। और क्या आप और भी मालिका में जो लिखे गए हैं 256 भक्त और भक्तों को भी देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप लिखिए, हमारे टीम वहां पे जाएगा और उन 256 भक्तों में से एक एक करके सबको हम वहां पे जाएंगे, उनका दर्शन आपको कराएंगे। तो यहां पे हमारा ये जो चैनल है तो इसमें आपको मिलेगा बिल्कुल मालिका के ऑथेंटिक डाटा, कोई भी मनगढ़ंत कहानी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल जो ग्रंथ प्रमाण देता है, जो पोथी प्रमाण देता है, उसी को हम आपके सन्मुख पेश करेंगे। खाली उतना ही नहीं, जो मालिका में लिखा गया है विभिन्न स्थानों के बारे में, आने वाले समय में क्या क्या होगा उन स्थानों में, उस स्थानों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। बाकायदा हम हमारा टीम वहाँ पे जाएगा और उसके जो महिमाएं हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हमारा साथ अभी जुड़े हैं कान्हू बाबा जी, तो कान्हू बाबा जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद हम अर्पण करते हैं, और आने वाले समय में हम कान्हू बाबा के साथ जाएंगे मालिका वर्णित पंचसखा पीठ, जो संत अच्युतानंद दास जी की गादी हैं, महापुरुष बलराम दास जी की गादी हैं, यशवंत दास जी की गादी हैं, और जगन्नाथ दास जी की गादी हैं, और शिशुआनंद दास जी की जो गादी हैं वहाँ पर भी हम जाएंगे, और उसके बारे में क्या क्या लिखा गया है मालिका में, मालिका के ग्रंथ उसके बारे में क्या क्या प्रमाण देता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। कैसा लगा आज का वीडियो अपना मत दीजिए कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।